नमस्कार दोस्तों, कुंडली भाग्य का आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प देखने को मिलता हुआ नजर आने वाला है दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से प्रीता और करण जल्द ही मिलने जा रहे हैं। हालांकि दोस्तों इस बार जो टक्कर हुई थी दोनों की, इसमें तो नहीं देखा है करण ने, लेकिन दोस्तों जल्द ही करण को प्रीता का आमना सामना होने वाला है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर निधि ने पूर्ण रूप से कोशिश कर ली है कि किसी भी तरीका से इन दोनों का एक दूसरे के लिए आमना सामना हो ही नहीं। लेकिन दोस्तों ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। आप लोग जानते ही हैं कि करण ने जॉब ही इसलिए दी है अपने बेटे राजवीर को, ताकि जल्द से जल्द प्रीता से मुलाकात हो सके, क्योंकि राजवीर चाहे लाख कोशिश कर ले प्रीता को दूर करने के लिए करण से, लेकिन दोस्तों वो दूर नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोस्तों आज नहीं तो कल मुलाकात होनी निश्चित है। हालांकि निधि की बात की जाए तो निधि बार बार यही प्लान कर रही है, लेकिन अब निधि एक कॉन्ट्रैक्ट देने वाली है गुंडों को कि किसी भी तरीका से प्रीता को इस घर को छुड़वाने पर मजबूर कर दो, जिस घर में वो अपने बेटे के साथ रह रही है। लेकिन दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि इस बात का जल्द ही पता लगेगा करण को, और करण उसके बाद में निधि को करेगा पुलिस के हवाले, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि निधि को पुलिस के हवाले करना कितना ज़्यादा ज़रूरी बन चुका है, क्योंकि निधि की हरकतें जो रही हैं वो हमेशा संदी के घेरे में हैं, और संदी के घेरे में अभी तन्मन नहीं है, बल्कि इस समय बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती हुई नज़र आने वाली है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस समय कहानी में बहुत ही बड़ा कसमकस की स्थिति नज़र आ रही है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है और ऐसा ही क्यों हो रहा है कि हमेशा लोग इस समय सबसे ज़्यादा टेंशन में नज़र आ रहे हैं। और टेंशन की अगर रीज़न की एक बात की जाए तो ठीक है, बल्कि इस समय कई और भी रीज़न देखने को मिलते हुए नज़र आने वाले हैं। सभी लोगों का मानना ये है कि जो हुआ है अभी तक और जो हो रहा है वो वाकई में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल और बहुत ज़्यादा बुरा होता हुआ नज़र आने वाला है आप लोगों के बीच में देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जिसके लिए चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।